नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। दमोह नाका से लेकर मदन महल तक बनाया जा रहा फ्लाईओवर का कार्य बदहाली का शिकार है। चेरीताल क्षेत्र में नाले के लिए खोदे गए गड्ढे लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं। पिछले 6 महीनों से चल रहा काम बेहद धीमी गति से हो रहा है, जिसके चलते लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। सबसे ज्यादा परेशानियां व्यापारियों को हो रही हैं, जिनकी दुकान के सामने गड्ढे खोद दिए गए हैं। फ्लाईओवर के काम में हो रही लेट लतीफी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। घर और दुकानों के सामने खोदे गए नाले के गड्ढे दुर्घटनाओं की वजह बन रहे हैं। कई स्थानों पर सड़क से 2-2.5 फीट ऊंचे नाले बनाए जा रहे हैं, जिनकी वजह से मोहल्लों में जल भराव होना तय है। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर और जिम्मेदार अधिकारी समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। कॉलोनियों को फ्लाईओवर से जोड़ने वाली सड़कें भी बदहाल हैं। काम बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है, जिस हिसाब से गति होनी चाहिए। जगह जगह पे खोद के अवरुद्ध कर दिया जा रहा है, रोड एक तरह से बनाया नहीं जा रहा है और नाले को जो तोड़ा उसमें लाइन भी फूट गई है, तो लाइन की रिपेयरिंग भी करीब करीब 25 दिन से तो हो नहीं पाई है और अभी उसको ऐसे ही पानी भी वेस्ट हो रहा है। और कई बार हम लोग भी बोल चुके अधिकारियों से, तो कोई इसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। यही परेशानी, धंधा पानी नहीं है, रोड खोद के रखे, खोद खोद के बस रख लेते हैं। हम जो होना चाहिए वैसा काम हो नहीं रहा। काम एक दिन होता, 2 दिन 4 दिन 10 दिन फिर बंद। एक जगह का काम नहीं कर रहे, खोदते जा रहे हैं चारों तरफ। बेहद धीमी गति से कराया जा रहा फ्लाईओवर निर्माण का कार्य लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। फ्लाईओवर के साथ सर्विस रोड और नाली निर्माण का कार्य लापरवाही पूर्वक किया जा रहा है, जिसकी वजह से सड़क के दोनों ओर जल भराव होने की आशंका पैदा हो गई है। निर्माण के समय ही यदि समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में फ्लाईओवर के किनारे बसी कॉलोनियों के निवासियों को भीषण समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। नगर निगम, जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी समय रहते नहीं चेते तो उनकी गलतियों का खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ेगा। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना आरंभ की गई है। इसके तहत जबलपुर जिले में 10 हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिला और उनके 10 वाहनों को कलेक्ट्रेट कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और अब इन वाहनों में ही राशन दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना के तहत कलेक्ट्रेट कार्यालय से 10 वाहन रवाना किए गए। जिला आपूर्ति नियंत्रक कमलेश तांडेकर ने बताया कि फिलहाल 10 हितग्राहियों को इस योजना से जोड़ा गया है और इन्हीं वाहनों में राशन दुकानों तक खाद्यान्न पहुँचाया जाएगा। इन वाहनों में GPS सिस्टम लगा हुआ है, जिससे इनकी मॉनिटरिंग हो सकेगी। हर सेक्टर में अलग अलग सेक्टर बने हुए हैं, वहाँ सेक्टर एक सेक्टर होता है, 15 या 20 दुकानों का एक सेक्टर है, तो हर सेक्टर में ये राशन पहुँचाएंगे। इससे राशन अब आसानी से पहुँचेगा, हितग्राहियों को रोज़गार मिल रहा है, मॉनिटरिंग करने में आसानी है। ये गाड़ी में GPS लगा हुआ है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, प्रचार प्रसार सब सिस्टम है, इंडिविजुअल है। तेज़ी से ये योजना पर काम हो रहा है, अच्छे से राशन पहुँच पाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है, लिहाजा बेरोजगार युवाओं को वाहन उपलब्ध करवाकर उन्हें रोजगार प्रदान किया जा रहा है। तेज बारिश और हवाओं के बीच शहर के कुछ इलाकों में आए विद्युत फॉल्ट की वजह से बिजली की आपूर्ति भी बाधित रही। गोरखपुर मेन रोड में बिजली का तार टूट गया और तकरीबन 4 घंटे तक लाइट बंद रही, जिससे स्थानीय जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ी। बारिश के दौरान विद्युत आपूर्ति बाधित होना आम बात हो गई है। बरसात एवं तेज हवाओं की वजह से कई स्थानों में फॉल्ट सामने आए हैं। गोरखपुर मेन रोड स्थित बाजार में भी विद्युत तार टूटने से लाइट गोल हो गई और काफी देर बाद सुधार कार्य किया गया, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को बेहद परेशानी उठानी पड़ी। 4-5 घंटा हो गया भैया करीबन। कैसे लाइट कुछ नहीं, वो तूफान आया था, बिजली कड़की थी तेज, तो तार नीचे गिर गया, तो 4-5 घंटे परेशान रहे हम लोग काफी। कहने का मतलब वही 4-5 घंटे बाद ही आया भाई। पानी गिरने के कारण झाल टकराया लाइन पर और शॉर्ट हुई लाइन और उसके कारण तार टूट गया। इसके बाद हम लोग ने आके बंद करके लाइन तार जोड़ के और खींच के चालू कर दिया। नहीं, लेट पहुँचे नहीं, सामान जो है लाना पड़ा हमको, यहाँ हमारे पास था नहीं,
ऑफिस जाके फिर सामान लेके आए, फिर इसके बाद हमने काम किया। वहीं लगभग 4 घंटे के बाद विद्युत आपूर्ति बहाल हो पाई। इस दौरान लोगों के कामकाज भी प्रभावित हुए। हालांकि विद्युत कर्मियों का कहना था कि सुधार कार्य में लगने वाला सामान एकत्रित करने में उन्हें समय लग गया। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के तत्वावधान में रामपुर छापर स्थित आदिवासी छात्रावास में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें दवाएं प्रदान की गई। बच्चों की आंखों में इन्फेक्शन की बीमारी भी पाई गई, जिसका चिकित्सकों ने उपचार किया। रामपुर छापर स्थित आदिवासी छात्रावास में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के दौरान अधिकांश बालक बालिकाओं में कंजक्टिवाइटिस इन्फेक्शन पाया गया, जिसका उपचार चिकित्सकों ने किया और उन्हें दवाएं भी प्रदान की। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के डॉक्टर अश्विनी त्रिवेदी ने बताया कि स्वास्थ्य शिविर के दौरान बच्चों को बीमारियों से बचाव के उपाय भी बताए गए। आज भारतीय जनता पार्टी चिकित्सक प्रकोष्ठ के द्वारा एक आदिवासी छात्रावास रामपुर छापर में एक कैंप रखा गया है, जिसमें कि बच्चों को आंखों का परीक्षण कर उनको आई ड्रॉप्स वगैरह दिए गए हैं, दांतों का परीक्षण किया गया है और साथ ही साथ जनरल चेकअप भी करके उनको दवाइयां दी गई हैं। ये बच्चों को जैसे ही हमें 2-4 केस पता चले थे, इमीडिएट हमने एक लेटर संजीवनी हॉस्पिटल को लिखा और शिविर के लिए हमारे यहाँ जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनको कहा, तो उन्होंने 3 दिन का समय दिया। तो जैसे ही पता चला ये तुरंत इसको इस शिविर की व्यवस्था की गई और उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। कि बच्चों को आंखें बहुत ज़्यादा आई हुई हैं और जिसके कारण ये कंजक्टिवाइटिस जो है फैलता चला जा रहा है। डॉक्टर पवन सबक जी की टीम यहाँ पे आई हुई है जो आंखों का इलाज कर रही है। बच्चों को आंखों के लिए ड्रॉप्स की फैसिलिटी भी यहाँ पे उपलब्ध है और सभी बच्चों को हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी बच्चों को हम दवाइयाँ उपलब्ध करा सके। सर्दी खांसी के पेशेंट भी बहुत है, सर्दी खांसी के बच्चे भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। मणिपुर में महिलाओं को नग्न कर घुमाए जाने की घटना से आक्रोशित सर्व ईसाई महासभा के द्वारा मालवीय चौक से कैंडल मार्च निकाला गया। ईसाई समुदाय के लोगों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। मणिपुर की घटना से समूचे देशवासी आहत हैं और मानवता को शर्मसार करने वाले इस कृत्य के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में सर्व ईसाई महासभा के द्वारा मालवीय चौक से कैंडल मार्च निकाला गया और मणिपुर में हो रही हिंसक घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। दुनिया में मानवता को शर्मसार करने वाली जो कुकृत्य हरकतें असामाजिक तत्वों के द्वारा किया जा रहा है, उसके विरोध में आज मालवीय चौक पे सर्व ईसाई महासभा के आह्वान पर समस्त ईसाई समाज एवं सेनोट पेंटिकोस्टल चर्चेस ऑफ इंडिया, कैथोलिक एसोसिएशन और हमारे धर्म गुरुओं के साथ यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। ये विरोध है उन लोगों का जिन्होंने उन दो स्त्रियों को नग्न कर जो परेड किया है, ये नग्न उन दो स्त्रियों का नहीं हुआ है, ये नग्न पूरे भारत देश का हुआ है और सर्व ईसाई महासभा इसका घोर निंदा करता है। सर्व ईसाई महासभा ने मणिपुर में शांति बहाल हो सके इसके लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना भी की है। हिंदू सेवा परिषद ने समान नागरिक संहिता के समर्थन में आधारताल स्थित हनुमान मंदिर से हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए विशाल मशाल यात्रा निकाली। इस दौरान रद्दी चौकी के पहले ही पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोक दिया, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में रोष देखा गया। वहीं पुलिस का कहना है कि मशाल जुलूस के लिए धनी की कुटिया तक की ही अनुमति दी गई थी। हिंदू सेवा परिषद ने हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आधारताल से विशाल मशाल यात्रा निकाली।
संगठन के अतुल जयस्वानी ने बताया कि यूसीसी के समर्थन में मशाल यात्रा निकाली गई है। कि हमारे देश में समान नागरिक संहिता है, पर इस समर्थन यात्रा में ही हमें हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और ये समर्थन के विरुद्ध है। जबलपुर का प्रशासन जो हमारी यात्रा को आगे नहीं जाने दे रहा है, क्या आगे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है? हमें यहाँ से घुमा के वापस कहा जा रहा है कि मंदिर में संपन्न करें। हम शासन प्रशासन का सहयोग करना चाह रहे हैं, इसलिए हम वहीं पे जा रहे हैं जहाँ शासन जबरदस्त। वहीं मशाल यात्रा को धनी की कुटिया के पास रोके जाने पर पुलिस ने कहा कि उन्हें इसी स्थान तक मशाल यात्रा निकालने की अनुमति दी गई थी। अतुल जयस्वानी के नेतृत्व में कुछ संगठनों के द्वारा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मशाल यात्रा निकाली गई थी, जो थाना आधारताल से चालू होकर धनी की कुटिया तक की गई थी। इनकी अनुमति धनी की कुटिया तक ही प्रदान की गई थी, अतः एहतियातन यहाँ पर हमारी पुलिस फोर्स लगाकर इनकी यात्रा जहाँ तक अनुमति प्रदान की गई थी वहीं पर रोककर इन्हें वापस अपने प्रस्थान स्थान पर वापस भेज दिया गया। मशाल यात्रा में बड़ी संख्या में संगठन के कार्यकर्ता शामिल रहे। भारत माता के सच्चे सपूत और देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले चंद्रशेखर आज़ाद की 170वीं जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विजयनगर चंद्रशेखर पार्क पहुंचकर अमर योद्धा के श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की। भारत माता की पंडित चंद्रशेखर आज़ाद। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विजयनगर स्थित चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर पुष्प मालाएं अर्पित कर उनका पुण्य स्मरण किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए चंद्रशेखर आजाद द्वारा दिए गए बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। हमें उनके सपनों का भारत बनाना है, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चंद्रशेखर आजाद की वीरता के किस्से नई पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। निश्चित रूप से देश की आज़ादी में उनका बड़ा योगदान रहा है, हम सब उनके चरणों में नमन करते हैं। और जो सपना उन्होंने देखा था आज़ाद भारत का, उस सपने को साकार करने के लिए लगातार हम सब काम कर रहे हैं। हम सब ऐसा विश्वास करते हैं कि जो सपना उन्होंने देखा उसको पूरा करने का हम सब प्रयास करेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अमर बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद का पुण्य स्मरण करते हुए संकल्प लिया कि उनके बताए रास्ते पर चलकर देश की सेवा करते रहेंगे। नर्मदा मिशन के संस्थापक और संस्कार कांवड़ यात्रा के प्रवर्तक समर्थ भैया जी सरकार की अचानक तबीयत बिगड़ जाने के कारण उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नर्मदा मिशन के सदस्यों ने बताया कि समर्थ भैया जी पिछले 1010 दिनों से निराहार व्रत कर रहे हैं और सिर्फ नर्मदा जल ग्रहण करते हैं। चिकित्सकों के मुताबिक उनकी हालत खतरे से बाहर है। पतित पावनी मां नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार 1010 दिन से निराहार व्रत कर रहे समर्थ भैया जी सरकार की तबीयत अचानक बिगड़ने से उनके शिष्य मंडल में हड़कंप मच गया। नर्मदा मिशन के सदस्यों द्वारा उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि पेट में आई गड़बड़ियों के कारण उनकी तबीयत बिगड़ी है। शिष्टमंडल का कहना है कि समर्थ भैया जी पिछले 1010 दिनों से निराहार व्रत कर रहे हैं और सिर्फ नर्मदा जल ग्रहण करते हैं, हालांकि उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। क्योंकि दादा गुरु पिछले 1010 दिन से निराहार है, कोई अन्य कोई फलाहार नहीं ले रहे हैं, केवल नर्मदा जल पर, जिसमें उनने अखंड निराहार परिक्रमा, नर्मदा जी की परिक्रमा भी की थी और परिक्रमा करते हुए आज उनका थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ। स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल हम लोग आए थे, यहाँ एडमिट कर दिया, क्योंकि अन्न नहीं ले रहे हैं तो पेट में गड़बड़ी होने के कारण जो अंतर भाव जो अंदर हो रहे हैं उसकी जांच के लिए यहाँ पे हम सब आए हुए हैं। दादा गुरु बताना चाह रहे हैं कि केवल जल पर रहते हुए आज 1010 दिन हो गए हैं,
और इसमें इतनी शक्ति है कि केवल जल ही शरीर को क्षय नहीं होने देगी अगर भाव और उसके साथ है। और हमें नर्मदा जल को रोकना है, जो उसका बिगड़ रहा है, धार जो बिगड़ रही है उसको हमको रोकना है। नर्मदा मिशन के सदस्यों का कहना है कि नर्मदा किनारे हुए अवैध निर्माणों को हटाने की मांग लेकर समर्थ भैया जी सरकार पिछले 2 वर्षों से अनशन कर रहे हैं। उन्होंने अन्य का त्याग कर दिया है, बावजूद इसके शासन प्रशासन उनकी जायज मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। समर्थ भैया जी सिर्फ नर्मदा जल ग्रहण करके नर्मदा के जल के महत्व को जन जन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ अमृत रूपी नर्मदा का जल ग्रहण कर भी जीवित रहा जा सकता है। बिजली विभाग के सिविल कार्यालय और एमपीईबी कॉलोनी के रहवासियों द्वारा स्वच्छता जागरूकता अभियान के तहत पांडुताल मैदान में जागरूकता रैली निकाली गई। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी कॉलोनी को एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक राजीव गुप्ता द्वारा स्वच्छता कायम रखने के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए उन्हें शपथ दिलाई गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपने अपने घरों की तरह कॉलोनी को साफ सुथरा रखने में सभी को सहभागी बनना होगा। हम स्वच्छता को अपनाएंगे और गीला कचरा सूखा कचरा अलग रखेंगे। इससे भविष्य में हमारा शहर आत्मनिर्भर होगा और स्वच्छ होगा। धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रेनों में भी अवैध रूप से शराब का परिवहन किए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने शराब के अवैध परिवहन में लिप्त आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 54 लीटर देसी शराब जब्त की है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कटनी छोर में खड़े एक युवक की तलाशी लेने पर जीआरपी को उसके पास से 54 लीटर देशी मदिरा मिली है, जिसके बाद रेल पुलिस उसे थाने लेकर आई और उससे शराब के संबंध में पूछताछ कर रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के कटनी छोर पर एक अवैध रूप से परिवहन करने के लिए शराब को ले जाया जा रहा था, जिससे 54 लीटर देसी मदिरा 300 पाव जब्त किया गया। आरोपी का नाम गणेश अग्रवाल उर्फ गन्नू, पिता छकौड़ी लाल, उम्र 58 साल, निवासी बेलबाग, जिसको गिरफ्तार करके आरोपी के खिलाफ विधिवत कार्रवाई की गई। पकड़े गए आरोपी का नाम गणेश अग्रवाल गन्नू है, जो बेलबाग थाना क्षेत्र का रहने वाला है। झाड़ियों एवं पत्थरों के बीच शराब छिपाकर बेचने वाले एक आरोपी को हनुमानताल पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने बाबाटोला क्षेत्र से गिरफ्तार किया। वहीं एक आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने 720 पाव देशी शराब जब्त की है। बाबाटोला की पहाड़ी में अवैध रूप से शराब का विक्रय करने की सूचना पर हनुमानताल पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके पर दबिश दी और मोहम्मद अमजद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी कृष्णा गुप्ता फरार हो गया। पुलिस ने झाड़ियों एवं पहाड़ी के बीच में छिपाकर रखी गई 720 पाव देशी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत 70,000 रुपये है। और दबिश देने के दौरान पाया गया है कि मोहम्मद अमजद अंसारी नामक व्यक्ति है और उसके साथ एक कृष्णा गुप्ता जो घमापुर का निवासी है, उसके द्वारा अवैध रूप से वहाँ पर शराब रखी हुई रखकर बेची जा रही थी और उसमें मामला कायम किया गया और उसमें गिरफ्तारी की गई है मोहम्मद अमजद अंसारी की। एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस द्वारा फरार आरोपी कृष्णा की तलाश की जा रही है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज़।